और रांची लोकसभा, सबका साथ सबका विकास और 19 लाख लोगों का ये लोकसभा, रांची लोकसभा का दायित्व मेरे ऊपर हो जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव के दौरान तपती धूप में मैं आपके दरवाजे गया था, कुंडा खटखटाया था, दरवाजा खटखटाया था, तो आप क्या प्रतिनिधि बन गया? प्रतिनिधि बन जाने के बाद अब दायित्व बढ़ गया। आप सिल्ली में हो, अभिचागढ़ में हो, खिलाड़ी में हो, कोई आवश्यकता नहीं है रांची आने की। आपको अपने सांसद को ढूंढने के लिए रांची नहीं आना, आपका समय बर्बाद होगा। आप खेत में काम कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपका पैसा खर्च होगा, मत करो। ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपके दरवाजे, आपकी परेशानियों के निजात के लिए आपके पास आऊंगा। मैंने वादा किया था, मैंने संकल्प आपके सामने मैंने संकल्प लिया था कि मैं आपके दरवाजे आऊंगा, आपके चबूतरे पे, आपके पंचायत में बैठूंगा और आपके समस्या के निवारण के लिए ये डबल इंजन की सरकार, देश में देवतुल्य प्रधानमंत्री और देवतुल्य प्रधानमंत्री और राज्य में सूबे में अपनी सरकार, ये डबल इंजन की जो सरकार होगी, तो समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आपकी आवाज बनूंगा। मैंने वादा किया था कि संसद में मैं आपकी जोरदार आवाज बनूंगा, मैं बैक बेंचर नहीं होऊंगा, मैं छुप के नहीं बैठूंगा, मेरी आवाज धीमी नहीं होगी। रांची लोकसभा की आवाज देश में सुनाई देगी और वो आवाज अकेले मेरी नहीं होगी, वो आवाज 19 लाख लोगों की होगी। मैंने संकल्प लिया मित्रों, आपको पता होगा मैंने कहा था कि 6 विधानसभाओं में चुनाव कार्यालय तो बहुत खुले, मैंने कहा कि अब चुनाव कार्यालय विधानसभा के स्तर के चुनाव कार्यालय बंद नहीं होंगे। हाँ, नाम बदल जाएगा, उसका नाम था सिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यालय, ईचागढ़ चुनाव कार्यालय भारतीय जनता पार्टी आजसू, नहीं, अब उस विधानसभा कार्यालय का नाम समाधान केंद्र के रूप में हो जाएगा। हर विधानसभा में एक मेरा कार्यालय होगा समाधान केंद्र, उस समाधान केंद्र में सारी सुविधाएं होंगी। आपको कोई परेशानी है, वृद्धा पेंशन योजना है, कोई कार्ड बनवाना है, गैस सिलेंडर चूल्हा लेना है, कोई भी काम हो, आप सीधे हमारे विधानसभा कार्यालय समाधान केंद्र में जाओ और समाधान केंद्र में अपने समस्याओं के निवारण के लिए आप वहां अपनी अर्जी लगा सकते हो। और फिर हमने एक और वादा किया, वो समाधान केंद्र तो हफ्ते में 7 दिन खुलेगा, वो संडे को भी नहीं बंद होगा, कोई छुट्टी में जैसे कोई 30 त्योहार तो बंद हो गए। और हमने एक और वादा किया, मेरा संकल्प था कि आप ढूंढने मेरे को नहीं आना है, हर विधानसभा में मेरा प्रयास होगा कि हफ्ते 10 दिन में एक दिन विधानसभा के समाधान केंद्र में बैठूंगा। सोमवार को ईचागढ़ बैठ गए, मंगल को सिल्ली बैठ गए, बुधवार को खिजरी बैठ गए, अटिया बैठ गए, तो उसको पता होगा कि मेरा सांसद, मेरा जनप्रतिनिधि सोमवार को बैठेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, हम उससे काम कराएंगे। बेटे के एडमिशन में दिक्कत है, कोई चिकित्सा में दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है, तो उसको पता है, वो मेरा ये भी संकल्प था।